सो हेलो गाइस, वेलकम टू थिंग्स हुआ। दोस्तों, अगर आप सिम कार्ड इस्तेमाल करते हैं किसी भी कंपनी का, तो आपको FDN यानी फिक्स्ड डायलिंग सर्विस के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए, क्योंकि इसके बहुत सारे फायदे हैं दोस्तों। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा FDN क्या होता है, FDN के फायदे क्या हैं और उसको कैसे बंद करना है। तो चलिए गाइस, इस वीडियो में इसकी पूरी जानकारी लेंगे। अगर आपके पास सिम कार्ड है किसी भी कंपनी का, तो ये वीडियो ज़रूर देखिए, आपके काम का है। तो दोस्तों, वीडियो पूरा देखिए, यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि FDN क्या होता है, FDN का इस्तेमाल क्या होता है, FDN को कैसे इस्तेमाल करते हैं, वो भी फ्री में, इसका कोई पैसा नहीं है। तो चलिए, ये हर फोन में होती है FDN सर्विस, कीपैड फ़ोन हो, एंड्रॉयड फ़ोन हो, कोई भी एंड्रॉयड फ़ोन। तो चलिए, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। तो चलिए भाई, फ़ोन में चला जाता हूँ, यहाँ पर नंबर डायल करेंगे। तो एक नंबर में यहाँ पर डायल करता हूँ 6368 यहाँ पर। तो चलिए, इस पर मैं डायल करता हूँ, तो देखिए आउटगोइंग कॉल नहीं जा रहा है। आउटगोइंग कॉल आर रिस्ट्रिक्टेड बाय FDN, ऐसा यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है, यानी FDN में मैंने कुछ ऐसा सेटिंग किया, इसलिए यहाँ पर कॉल नहीं जा रहा है। चलिए अभी एक और नंबर ट्राई करते हैं, 111, ठीक है। तो 111 पर भी करेंगे तो यहाँ पर भी एरर आ रहा है, कॉल हमारा नहीं जा रहा है, आउटगोइंग कॉल। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक नंबर ऐसा है जिस पर जरूर जाएगा, चलिए लगा के देखते हैं, 7686। तो इस पर देखिए कॉल जा रहा है, डेफिनेटली इस पर कॉल जा रहा है। अब एक दूसरे नंबर पे लगाएंगे 6767। तो इस पर भी जा रहा है। तो अभी हम लगाते हैं कंपनी के टोल फ्री नंबर पर 198 पर, तो इस पर भी नहीं जाएगा। यानी दोस्तों, FDN एक ऐसा सेटिंग है जहाँ पर आप दोस्तों अपने मनपसंद नंबर आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपके फ़ोन से जब भी कोई आउटगोइंग कॉल जाए तो कौन से नंबर पर लगना चाहिए और कौन से नंबर पर नहीं लगना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने लिस्ट में दो नंबर डाल के रखे थे कि इन दो नंबर पर कॉल लगना चाहिए, तो इसलिए 6767 और दूसरा जो नंबर था उस पर कॉल लग रहा था, बाकी किसी भी नंबर पर कॉल नहीं लगेगा मेरे फ़ोन से, सिर्फ इन दो नंबर पर ही लगेगा, क्योंकि लिस्ट में मैंने FDN के सेटिंग में मैंने इसको ऐड करके रखा है। आपको भी कैसे सारा सेटिंग करना है वो मैं बता दूंगा, लेकिन चलिए भाई, इसको एक बार आप देख लीजिए। जैसे अभी मैं दूसरा नंबर ऐड करना चाहूँ फिर भी कर सकता हूँ, जैसे 7686 और 6767 यहाँ पर मैंने ऐड करके रखा है लिस्ट में, इसलिए इस पर कॉल जा रहा है। अभी देखिए, यहाँ पर मैं लगाता हूँ 111 पे कॉल लगाऊंगा, तो अभी इस पर नहीं जा रहा है, ना बोल रहा है आउटगोइंग कॉल आर रिस्ट्रिक्टेड बाय FDN। तो चलिए, अभी 111 वाले नंबर को भी मैं ऐड कर देता हूँ, आपको मैं करके दिखाता हूँ। ओके, सो गाइज, यहाँ पर मैंने 111 वाला नंबर भी ऐड कर दिया है लिस्ट में। तो अभी अगर मैं चाहूँ तो मैंने तीन नंबर अपने फ़ोन में ऐड किए हैं कि इन्हीं नंबर से जब मेरे फ़ोन से कॉल हो तो आउटगोइंग कॉल जाना चाहिए, वरना नहीं। तो चलिए, 111 पर कॉल यहाँ पर क्लिक करूँगा, तो अभी यहाँ से कॉल जा रहा है। तो भाई, आप भी समझ गए होंगे FDN क्या होता है। FDN एक बहुत ही अच्छी सर्विस है। जैसे मान लीजिए आपने अपने दोस्त को कॉल किया, तो वो भाई किसी को भी कॉल लगा सकते हैं आपके फ़ोन से, तो आप अपने फ़ोन में FDN सर्विस इनेबल कर सकते हैं। अगर आप लिस्ट में एक भी नंबर नहीं डालेंगे, तो जब भी वो सामने वाला बंदा आपके फ़ोन से आपके दोस्त या फिर किसी भी नंबर पर कॉल करेगा, तो सामने वाले को कॉल नहीं जाएगा। अभी जो एरर बता रहा था वही एरर दोस्तों दिखेगा, और जो नंबर आप लिस्ट में ऐड करोगे सिर्फ उसी नंबर पर कॉल जाएगा। तो चलिए, अभी देखते हैं आप अपने मोबाइल में FDN को कैसे चालू कर सकते हैं और कैसे लिस्ट में अपने दोस्तों के नाम आप ऐड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा सेटिंग्स में। हर सिम का अलग अलग सेटिंग होता है दोस्तों। तो यहाँ पर मैंने अभी किया था एयरटेल में, आपको यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। भाई, ये मेरा सिम वन है, तो सिम वन मेरा एयरटेल का है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और सिम टू मेरा वोडाफोन का है दोस्तों, और दूसरा फ़ोन है जिसमें आइडिया का सिम है। तो सभी सिम पर मैं आपको FDN ट्राई करके दिखाऊँगा, ताकि आप लोग ये ना बोले कि भाई नहीं हो रहा है हमारे सिम कार्ड में, ठीक है। तो हर सिम में मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो पूरा देखिए, लास्ट तक बने रहिए। तो भाई, अपने सेटिंग में जाना है, फ़ोन सेटिंग में, आपको कहीं पर भी जाइए कॉल सेटिंग में, लेकिन आपको एक ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा, ऑपरेटर रिलेटेड सेटिंग्स में जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आपको फिक्स डायलिंग नंबर्स का सेटिंग ढूंढना है दोस्तों, FDN सेटिंग दोस्तों आपको ढूंढना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने अपने फ़ोन में ढूंढ लिया है, भाई मेरे पास ओप्पो F3 Plus है, कौन से सिम में FDN लगाना है, तो मुझे सिम वन में लगाना है, तो चलिए मैं इसमें चला जाता हूँ दोस्तों। तो जब भी दोस्तों आप FDN के अंदर जाएंगे, आपको इस तरह का इंटरफेस दोस्तों सामने आएगा, यहाँ पर लिखा हुआ आएगा एनेबल FDN, ऐसा लिखा हुआ आएगा दोस्तों, एनेबल FDN। तो फिर आपको दोस्तों क्या करना है, इस एनेबल FDN वाले पर क्लिक करना है, यहाँ पर
और आपको एक डिफ़ॉल्ट कोड डालना पड़ेगा। एयरटेल में आप डाल सकते हो 4x0 या फिर 1234, सभी सिम कार्ड में ये दो कोड ही काम करते हैं मैक्सिमम, और ये दो नहीं काम कर रहे तो फिर कोई भी नहीं काम करेगा। तो चलिए यहाँ पर मैं डाल देता हूँ 4x0, तो 1234 मैंने 4x0 डाला और यहाँ पर सेव हम कर। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने सेव कर दिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर डिसेबल FDN यानी हमारी जो सर्विस है FDN की एक्टिवेट हो चुकी है। अभी दोस्तों हमको लिस्ट में ऐड करना है नंबर, तो यहाँ पर पहले से मैंने नंबर ऐड करके रखे हैं, आपको वापस मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। देखिए नंबर देख लीजिए आप, 6767 7687 और 111 यहाँ पर मैंने जो अभी आपको लगा के दिखाए हैं। तो अभी मैं चाहूँ तो यहाँ पर और एक नंबर ट्राई कर लेते हैं हम लोग। तो जैसे देखें यहाँ पर और एक नंबर मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कंपनी का नंबर है 198, तो इस पर मैं फर्स्ट टाइम से कॉल लगा रहा हूँ तो नहीं जा रहा है क्योंकि रिस्ट्रिक्टेड बाय FDN, यहाँ पर FDN मेरा पहले से इनेबल है। तो अभी लिस्ट में ये लिस्ट है दोस्तों, यहाँ पर ये लिस्ट होती है FDN लिस्ट, तो इसमें जाना है और यहाँ पर आप एड कॉन्टेक्ट का आपको यहाँ पर बटन दिख जाएगा, इस पर क्लिक करना है। इस पर सामने वाले का नाम नहीं लिखोगे फिर भी चलेगा, यहाँ पर नंबर डाल देना है आपको कि कौन से नंबर पर कॉल लगना चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ पर सेव बटन दिखेगा, सेव पर क्लिक कर देना है और पिन डाल देना है जो भी पिन है। तो हमारा पिन है दोस्तों 1234 4x0 डालना है हमको। 1234 भी किसी किसी फ़ोन में दोस्तों काम करता है, वो मैं आपको अभी आगे दिखाऊंगा। तो चलिए ओके कर देते हैं। तो एडिंग फिक्स डायलिंग नंबर्स, तो यहाँ पर देखिए हमारा 198 वाला नंबर भी ऐड हो चुका है। तो अभी अगर हम इस पर कॉल लगाएंगे तो डेफिनेटली कॉल जाएगा क्योंकि अभी हमने इसको लिस्ट में दोस्तों ऐड कर दिया है। तो ठीक है, यहाँ पर कॉल जा रहा है। तो डेफिनेटली आप समझ गए FDN दोस्तों क्या होता है, ये मैंने आपको एयरटेल में करके दिखाया। तो आप अपनी मर्जी से इस लिस्ट में कितने भी नंबर ऐड कर सकते हैं, बाकी के जो फालतू नंबर है उनको ऐड नहीं कर सकते, करना चाहो तो कर सकते हो, आपकी मर्जी की बात है। तो यहाँ पर दोस्तों आप अपनी मर्जी से किसी भी नंबर को ऐड कर सकते हैं, जो भी नंबर आप यहाँ पर ऐड करोगे उसी नंबर पर आउटगोइंग कॉल जाएगा, दूसरे नंबर पर नहीं जाएगा। तो आप छोटे बच्चों को अपना मोबाइल दे रहे हो या फिर किसी दोस्त को अपना फ़ोन दे रहे हो तो ये वाला सेटिंग आप कर सकते हो, वो भी बोलेगा भाई कॉल नहीं जा रहा है, तेरे फ़ोन से आउटगोइंग कॉल नहीं जा रहा है। तो आप बोल सकते हो भाई मुझे नहीं पता क्यों कॉल नहीं जा रहा, शायद मेरे मोबाइल में ख़राबी है, लेकिन आपको ही पता होगा कि क्यों नहीं जा रहा कॉल। तो चलिए अभी मैंने एयरटेल से ट्राई किया था, अभी दूसरे फ़ोन में मैं आपको आइडिया में करके दिखाता हूँ इसी सर्विस को कैसे इनेबल करना है। कॉल लगा के नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ सर्विस को इनेबल करके दिखाऊंगा क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई इनेबल नहीं हो रही, मैंने दूसरे लोगों के वीडियोज़ भी देखे हैं, तो यहाँ पर मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो चलिए अभी दूसरे फ़ोन की तरफ जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमने पहले देखा वो हमारे पास ओप्पो F3 प्लस का फ़ोन था और ये वाला हमारे पास रियलमी C2 है और इसमें आइडिया सिम लगा हुआ है, वो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ अंदर जाके दोस्तों। तो जैसे यहाँ पर मैं सिम वन में जाऊँगा, अंदर नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है आइडिया, ये सिम हमारा आइडिया का है और आइडिया में भी ये डेफिनेटली काम करने वाली है सर्विस। चलिए सेटिंग्स में जाना है और सेटिंग्स में जाने के बाद आपको मैंने जो ऑप्शन बताया फिक्स डायलिंग का वो ढूंढना पड़ेगा। तो यहाँ पर सिस्टम एप्स में जाता हूँ, कॉल्स में जाता हूँ, उसके बाद यहाँ पर सबसे नीचे एक सेटिंग है करियर कॉल सेटिंग्स, इसमें जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए फिक्स डायलिंग्स नंबर्स हमको यहाँ पर दिख गया सेटिंग्स, तो इसमें जाने वाले हैं हम। और इसमें जाने के बाद एनेबल FDN इस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया आपको कि दो तरह के ही डिफ़ॉल्ट कोड होते हैं, एक 4x0 और 1234। तो आइडिया में अभी यहाँ पर 1, 2, 3 और 4 डालेंगे हम और ओके कर देंगे क्योंकि अभी इसमें ये वाला काम कर रहा है, मैंने पहले देख लिया था। तो देखिए यहाँ पर आराम से यहाँ पर एनेबल हो गया, कोई भी दिक्कत नहीं आई। तो इस तरह से दोस्तों आप कर सकते हैं। तो ये वाला यहाँ से दोस्तों हो गया। अभी क्या करना है, FDN लिस्ट हैं तो इस लिस्ट में देखिए 8 कॉन्टेक्ट यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है, तो आप किसी भी कॉन्टेक्ट को यहाँ पर दोस्तों ऐड आप कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए भाई जो भी हैं, मैं यहाँ पर अगर नंबर डाल देता हूँ 198 को, अगर मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, सॉरी 19 और सेव कर देंगे 198, तो इस पर कॉल लगाएंगे तो कॉल जाएगा। पिन डाल देनी है 1234 डाल देनी है, सॉरी यहाँ पर चलिए डालते हैं 1234 और ओके कर देना है। तो ये नंबर हमारा डेफिनेटली यहाँ पर ऐड हो जाएगा।
ये देखिए नंबर ऐड हो चुका है और अभी किसी भी नंबर पर यहाँ पर कॉल नहीं जाएगा मेरे फ़ोन से, सिर्फ 198 पर ही दोस्तों कॉल जाएगा। तो ये था दोस्तों आइडिया का सेटिंग। चलिए अभी और सिम में क्या दिक्कत आती है क्या नहीं वो मैं पूरा आपको चीज़ बताता हूँ। वीडियो पूरा देखिए भाई, इसलिए मैं एक्सप्लेन करके यहाँ पर आपको बता रहा हूँ ताकि समझने में आसानी हो और आप लोग यार ज़्यादा कॉमेंट ना करें, क्योंकि सारी जो भी प्रॉब्लम है वहाँ यहाँ पर ही वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों FDN सर्विस को आप किसी भी कंपनी के सिम में चालू कर सकते हो यानी एक्टिवेट कर सकते हो, लेकिन उसको एक्टिवेट करने के लिए आपको एक 4-डिजिट पिन डालनी पड़ेगी, एक डिफ़ॉल्ट कोड डालना पड़ेगा। और देखा जाए तो किसी भी कंपनी के सिम में FDN चालू करने के लिए आपको जो पिन डालनी होती है वो होती है भाई 4 बार 0 डालना या फिर 1 2 3 4, ये दो ही पिन दोस्तों काम करती हैं। और अगर ये दो पिन काम नहीं करती हैं किसी भी कंपनी के सिम में तो भाई मैं आपको बता दूं मैं भी शायद नहीं चालू होगा FDN, क्योंकि इसके अलावा कौन सी पिन काम करती हैं उसकी जानकारी दोस्तों आपको कॉल सेंटर से तो डेफिनेटली नहीं मिलने वाली। अंदर ऑप्शन होता है वहाँ पर कुछ लोग बताते हैं कि भाई आप पुक को डालने के बाद पिन चेंज हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कंपनी से पुक को लोगे, पुक को दोस्तों अलग बात है और पुक टू पिन अलग बात है दोस्तों। तो जब भी आप कॉल सेंटर में कॉल लगाओगे वहां पर पूछोगे पुक टू क्या है, तो वो आपको पुक कोड ही बताएंगे, पीयू के कोड ही बताएंगे। तो आपको मैं एडवाइस देना चाहूँगा, कॉल मत करो कॉल सेंटर में, वहाँ से कोई भी जानकारी आपको नहीं मिलेगी। और यहाँ तक मेरी बात करो तो भाई मैंने तो गूगल में पूरा छानबीन कर लिया, यूट्यूब में भी कर लिया और दूसरी जगह पर भी कर लिया, लेकिन मुझे पिन टू के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिली। और जो भी पुक टू डालना होता है, पिन टू 3 बार गलत डालते हैं तो उसके बाद हमको पुक टू डालना होता है, तब जाके हमारी पिन चेंज होती है। तो ऐसे में मुझे पुक टू की इंफॉर्मेशन भी नहीं मिली, और जब मिल जाती है तो मैं नीचे कमेंट करके बता दूंगा फर्स्ट कमेंट में। अभी मैं उस पर काम कर रहा हूं, लेकिन आपको अभी FDN के बारे में मैंने बताना ज़रूरी समझा, क्योंकि एक छोटी सी प्रॉब्लम की वजह से वीडियो ना बनाऊँ ये भी अच्छी बात नहीं, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बना दिया। तो यार प्लीज़ आप ट्राई मत करना, और ट्राई करना है तो कर लीजिए भाई, आपसे भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं पहले ही ट्राई कर चुका हूँ, पहले ही ठोकर खा चुका हूँ। तो भाई आपको ट्राई करना है तो करिए, वरना रहने दीजिए। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम वापस जान लेते हैं वोडाफोन में कैसे करने वाले हैं। तो चलिए भाई वोडाफोन का सिम है ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। दो सिम यहाँ पर है, दूसरा सिम हमारा वोडाफोन का, इस फोन में आप देख सकते हैं। तो इसके अंदर अभी FDN लगाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन पहले भी नहीं हुआ था और अभी मैं भी, दोनों जो डिफ़ॉल्ट कोड है वो यहाँ पर काम नहीं कर रहे हैं। बस आपको बताने के लिए कर रहा हूँ यार, क्योंकि जब भी आप ट्राई करोगे अपने किसी सिम में और डिफ़ॉल्ट कोड काम नहीं कर रहा, तो आप मुझको बोलोगे कि यार फेक वीडियो है, वीडियो काम नहीं कर रहा। तो भाई प्रोसेस तो सही है, लेकिन किसी ऑपरेटर में कोड काम नहीं कर रहा है तो मैं क्या करूँ भाई, मेरी तो कोई गलती नहीं है ना, कंपनी वाले नहीं करने देते तो मैं क्या करूँ। तो चलिए मैं सिम टू में यहाँ पर जा रहा हूँ, हमारा एनेबल FDN पर क्लिक करेंगे। तो देखिए दो ही कोड होते हैं, 000 और 1234। तो यहाँ पर मैं दोनों डाल के दिखा देता हूँ आपको। 000 4 बार डाला हमने, 3 बार डाला, सेव कर देते हैं। तो देखिए भाई इनकरेक्ट पासवर्ड यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। दोबारा यहाँ पर 1234 डालते हैं, अगर ये वाला नहीं काम कर रहा तो 1234 डालेंगे, फिर भी यहाँ पर काम नहीं कर रहा। तो अभी देखिए इसमें मेरी मिस्टेक नहीं है कि ये काम नहीं कर रहा, और बार बार भाई इसके साथ आप अगर ये चालू नहीं हो रहा है तो बार बार कुछ भी मत करना, वरना आपका सिम कार्ड भी दोस्तों ब्लॉक हो सकता है। तो इसमें तो वोडाफोन में ये सर्विस काम नहीं कर रही है भाई, कोई भी कोड नहीं काम कर रहा है, और कौन सा कोड यहाँ पर वर्क करेगा वो मुझे नहीं पता भाई, क्योंकि मोस्टली देखा जाए तो सभी ऑपरेटर में ये दो कोड ही काम करते हैं, 000 और 1234। तो मैं भी यार वोडाफोन में काम नहीं कर रही है, और मैं गुजरात से हूँ, और गुजरात में आइडिया और एयरटेल में मैंने अभी ट्राई किया तो आराम से चल रहा है कोई भी दिक्कत के बिना। तो आप कहीं से अदर स्टेट के हो तो भाई आपको एयरटेल आइडिया में दिक्कत भी आ सकती है, नहीं भी आ सकती, एक बार ट्राई कर लो, देख लो भाई। लेकिन मैंने FDN के बारे में बताया वो तो सही है कि FDN इस तरह से काम करता है, आप जिसका भी नंबर लिस्ट में डालोगे उसी को कॉल जाएगा, दूसरे किसी भी बंदे को किसी भी नंबर पर आपके मोबाइल से कॉल नहीं जाएगा जिस भी सिम कार्ड में आप FDN एक्टिवेट कर रहे हैं।
तो FDN वाले सर्विस बिल्कुल सही हैं और उसको इस्तेमाल करने का एक भी रुपया चार्ज नहीं लगता है। अगर आपके मोबाइल में डिफॉल्ट कोड काम नहीं कर रहा है, जो भी कोड है वो काम नहीं कर रहा है, इसको दोस्तों पिन बोलते हैं, अगर पिन 4-digit PIN काम नहीं कर रही है तो सॉरी यार, ये मेरी गलती नहीं है, कंपनी की गलती है। और अगर मुझे मिलता है कोड जो भी काम करता है तो मैं कमेंट करके ज़रूर बता